हेलो एवरीवन वेलकम टू कृष्णा कोचिंग सेंटर क्लास इलेवेंथ हिस्ट्री और हमारा चैप्टर लास्ट चैप्टर चल रहा है इसमें हम देखने वाले हैं द मेजी रिस्टोरेशन के बारे में कि जो मेजी थे वापस से कैसे आ गए भाई भाई साहब इन्हें चैन नहीं है जाएंगे आएंगे जाएंगे आएंगे फिर पता नहीं क्या क्या लिख के चले जाएंगे हमको पढ़ना पड़ रहा है चलो खैर कोई दिक्कत नहीं है अब इंटरनल डिस्कंटेंट ने क्या करा कोइंसाइड कर दिया ट्रेड और डिप्लोमेटिक रिलेशन को फॉर एग्जांपल कैसे कि कोई कुछ डिमांड कर रहा था ट्रेड में कोई कुछ डिमांड कर रहा था अब भैया सब जगह परेशानी क्योंकि जब डिमांड कॉमन हो तो ठीक है जी आप उसका समाधान निकाल सकते हो पर जब डिमांड ही कॉमन ना हो तो उसको सोल्यूशन निकाल पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है किसी के लिए भी ठीक है अब 1853 में जो यूएसए थे उन्होंने क्या करा दे सेंट कोमोडोर मैथ्यू पेरी टू जापान 1853 में उन्होंने यूएसए ने मैथ्यू uh, पेरी को भेजा जापान में और गवर्नमेंट से क्या डिमांड किया डिमांड किया कि एक ट्रीटी साइन कर दें कि जिस ट्रीटी की मदद से वो परमिट कर देंगे ट्रेड के लिए जापान के अंदर और डिप्लोमेटिक रिलेशन भी ओपन कर देंगे नेक्स्ट ईयर में अब जो जापान है उनके लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट था क्योंकि जापान से रूट जाता था चाइना के लिए जो यू को बहुत बड़ा मार्केट लगा था और उसके अलावा बहुत सारी जो शिप्स थी पैसिफिक में दे नीडेड टू प्लेस टू रिफ्यूल मतलब उनको शिप जो उनकी जाती थी जापान में रुक के वो वहां पे रिफ्यूलिंग भी कर सकते थे उस समय वेस्टर्न साइड में सिर्फ एक ही कंट्री थी जो ट्रेड करती थी जापान से वो थी हॉलैंड अब पेरी का अराइवल बहुत इंपॉर्टेंट था जापानीज पॉलिटिक्स में जो एम्परर थे हु टिल देन हैड वेरी लिटिल पॉलिटिकल पावर जब तक उनके पास बहुत कम पावर थी अब बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर के रूप में सामने आते कैसे 1868 में एक मूवमेंट होता है जिसमें जो अ मूवमेंट फोर्सिवली रिमूव द शोगन फ्रॉम द पावर उस मूवमेंट ने शोग को पावर से हटा दिया और वहाँ पे जो एम्पर थे उनको कहाँ पे लेके आए ये में लेके आए और उसके बाद ये जो कैपिटल था इसको रिनेम किया गया और इसका नाम टोक्यो रखा गया टोक्यो का मतलब क्या होता है ईस्टर्न कैपिटल ठीक ये देखिए पेरी की शिप है जैपनीज वुड ब्लॉक प्रिंट ब्यूटिफुल अमेजिंगली ब्यूटिफुल अब जो जापनीज थे जो वॉट जापनीज़ कॉल्ड ब्लैक ब्लैक क्यों बोलते थे इनको जिससे ये पैरी वगैरह आए थे क्योंकि तार जो था ना उस समय यूज किया जाता था जो जॉइंट्स थे वुड के जॉइंट्स थे उसको सील करने के लिए जो कि पेंटिंग्स वगैरह में भी दिखाया जाता है और जो कार्टून्स थे वो शो क्या करते थे स्ट्रेंज फॉरेनर्स एंड देयर हैबिट्स जो कार्टून डिपिक्ट कर रहे हैं कि फॉरेनर्स कैसे स्ट्रेंज होते थे उनके लिए स्ट्रेंज क्यों होते थे क्योंकि जैपनीज़ लुक बहुत डिफरेंट है अमेरिकन लुक से तो दैट्स वाई वो लुक में भी अलग होते थे और उसके अलावा वो फीचर्स में अलग होते थे कलर में थोड़ा बहुत ठीक है सेम होते थे बट बहुत सारी चीज़ों में डिफरेंस था लैंग्वेज बिल्कुल डिफरेंट थी सो so ये चीज़ इस पेंटिंग में डिपिक्ट हो रही है ये देखिए कोमोडोर पेरी एट सीन एज सीन बात है जापनीज पेरी को जापनीज ने कुछ इस तरीके से देखा था अब ऑफिशियल्स और पीपल वो अवेयर थे किससे कि जो कुछ यूरोपियन कंट्रीज हैं वो कॉलोनीज बिल्ड कर रही हैं इंडिया में उसके आसपास की जगह में अब जो न्यूज़ थी किसकी न्यूज ऑफ चाइना क्या न्यूज़ थी कि जो चाइना है जो डिफीट हो रहा है ब्रिटिश से वो फ्लोइन हो रही थी अब उनको लग रहा था भाई चाइना जो है इतना बड़ा कंट्री है वो अगर डिफीट हो रहा है तो हम तो फिर भी साइज़ uh, वाइज तो छोटे ही हैं तो जापान को बड़ा फियर था कि कहीं वो कॉलोनी ना बन जाए अब बहुत सारे स्कॉलर्स और लीडर्स जो थे दे वांटेड टू लर्न फ्रॉम द न्यू आइडियाज़ इन यूरोप और बहुत सारे ऐसे लीडर थे ना उनको क्या था कि उनको यूरोप से नए आइडियाज़ लर्न करने थे उन्होंने ये नहीं करा जैसे चाइनीज़ ने क्या कर उनको टोटली इग्नोर कर दिया इनको पता था कि टोटली इग्नोर तो इसे कर ही नहीं सकते तो उन्होंने कहा कि हम इससे चीज़ें सीखेंगे राधर देन कंप्लेन करने का तो न्यू टेक्नोलॉजीज वगैरह ये सब उन्होंने सीखने का बात करा अब गवर्नमेंट ने क्या करा गवर्नमेंट लॉन्च अ पॉलिसी विद अ स्लोगन स्लोगन क्या था उसका दुकोकू क्यों ही इसका मतलब क्या है रिच कंट्री स्ट्रोंग आर्मी उन्होंने क्या रियलाइज किया कि उनको अपनी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांगली बिल्ड करनी है अपनी आर्मी इतनी स्ट्रॉन्ग बिल्ड करनी है कि कोई भी उन्हें सब्जुगेट ना कर सके हरा ना सके लाइक इंडिया इंडिया में क्या था हमारी इकनॉमी वीक हो रही थी हमारी आर्मी वीक हो रही थी कलेक्टिव आर्मी नहीं थी तो इसलिए उनको क्या लगा कि लोगों के बीच में ना ने नेशन हुड जगाने की बहुत ज़्यादा जरूरत है एक एक सिटी के लोग ना हो कि पूरे कंट्री के लोग बने एट द सेम टाइम जो न्यू गवर्नमेंट थी वो उन्होंने ऑल्सो वर्क किया था एम्पर सिस्टम में एम्पर सिस्टम में क्या था कि सेंट्रल सिस्टम रखेंगे सेंट्रली पावर को एक्सरसाइज करेंगे ताकि उस चीज़ पर बहुत अच्छे से वर्क हो सके अब ऑफिशल्स को भेजा जाता था यूरोपियन मनार्कस को स्टडी करने के लिए और उनके मॉडल उनके प्लान मॉडल पे वर्क होना स्टार्ट होता था अब जो जो एम्पर थे वुड बी ट्रीटेड विद रेवरेंस एम्पर को बहुत इज्जत से ट्रीट किया जाता था क्योंकि उनको सन गॉडेस का डायरेक्ट डिसेंडेंट मानते थे और लीडर ऑफ वेस्टर्नाइजेशन माना जाता था उनका बर्थडे नेशनल हॉलीडे माना जाता था और जो एम्पर होते थे वो वेस्टर्न स्टाइल मिलिट्री यूनिफॉर्म्स पहनते थे जो एडिक्स होती थी वो उनके नाम पे इशू होती थी अब जो एम्पेरियल रीस्क्रिप्ट ऑन एजुकेशन ऑफ एटीन नाइनटी है उन्होंने क्या अर्ज किया पीपल को कि वो लर्निंग परस्यू करें और जो पब्लिक गुड है कॉमन इंटरेस्ट है उसको प्रमोट करें सो so, इस पार्ट को यहीं तक रखते हैं इसका अगला पार्ट हम कवर करेंगे अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए आपको कोई भी कन्फ्यूजन या क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आई ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेरी एज सून एज पॉसिबल सो थैंक यू सो मच पी ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो थैंक यू